देवघर एयरपोर्ट में हवाई उड़ानों का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्दी देवघर एयरपोर्ट में जहाज उड़ान भरने शुरू हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप टिंगरा एयरपोर्ट निर्माण कार्य की अपडेट रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों द्वारा सेवा देने की सहमति जताई गई है, जिसके लिए फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी और स्लॉट तय किए जा रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट के रनवे सहित टर्मिनल बिल्डिंग और ATC बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इसे खूबसूरत लुक दिया जा रहा है। इसमें बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की छवि बखूबी दिखाई गई है। इसके अलावा पार्किंग और लॉज एरिया सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आज आखिरी दौर में हैं। देवघर एयरपोर्ट से उड़ानों की सारी तकनीकी बिंदुओं पर अब अंतिम रूप में कार्य चल रहा है और इसे फाइनल टच दिया जा रहा है, ताकि मंत्रालय से उद्घाटन के लिए हरी झंडी मिल सके। ऐसे में कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के सारे तकनीकी रास्ते अब साफ हो गए हैं। बहुत जल्द बाबा बैद्यनाथ की नगरी को एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी देवघर राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। आपने अभी देखा, पूरा हमारा तरफ से पूरा एयरपोर्ट पूरा बन के तैयार है। जैसा भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अंदर काउंटर्स, जो एक्सरे मशीन, जो स्कूटीज के जो स्कूटी चेकिंग होने हैं, जो सारे के सारे इक्विपमेंट, कन्वेयर बेल्ट, एवरीथिंग इज प्लेस, एवरीथिंग इज वी आर रेडी। सर दो फ्लाइट से देखिए, ऐसा है कि वी हैव गिवन प्रेजेंटेशन टू ऑल द एयरलाइन, उनको दिखा भी दिया है पूरा, दे आर सेटिस्फाइड कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रनवे है, जो पार्किंग बे है, जो टर्मिनल बिल्डिंग है, सब तैयार है एंड वी आर रेडी फ्रॉम ऑल द एंगल। उनको पूरा बता दिया कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है। वी गिव ऑल द फैसिलिटीज, स्कूटीज टू एंड फैसिलिटीज, सेफ्टीज जो भी चाहिए, वी विल प्रोवाइड ऑल द सेफ्टीज टू एयरलाइंस फॉर मूवमेंट ऑफ द एयरलाइन। कौन एग्री की जहाँ तक बात है, वो अपना दे हैव गोइंग टू कैलकुलेट दैट वन, बट उनका सारा जो है वो दे आर सेटिस्फाइड एंड वी आर गिवन ऑल द डिटेल्स एंड दे हैव सीन द आल्सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। भी कंपनी रिप्रेजेंटेशन थे स्पाइसजेट, कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट, आजकल क्योंकि कोविड का माहौल है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली सारे आए, बट आए हैं, आए भी हैं एंड कुछ ई मीडिया से थ्रू भी दे हैव टेकन दी। कौन कौन से सर? नहीं, वी हैव गिवन टू दैट ऑल द मेजर एयरलाइन, इंडिगो भी अपना उनको भी दे दिया, स्पाइसजेट वाले भी दे दिए हैं, एयर एशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। वी हैव गिवन डेटा टू ऑल द मेजर एयरलाइन, नॉट टू स्पेसिफिक टू सिंगल एयरलाइन। सो सेल्फी पॉइंट जी राम जी, बताते चले कि आज ही संदीप ढिंगरा ने एक बयान जारी कर कहा है कि देवघर एयरपोर्ट से बहुत जल्दी उड़ाने सेवा शुरू हो सकती हैं। जो भी काम बाकी था उसे पूर्ण कर लिया गया है, बिल्कुल सज धज कर देवघर एयरपोर्ट तैयार है, सिर्फ और सिर्फ अब ये उद्घाटन होना बाकी है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि कई विमान सेवाओं ने अपनी सेवा देने के लिए सहमति जता दी है, जिसमें इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और गो फर्स्ट जैसी उड़ानों ने अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में देखना यह है कि शिवरात्रि के दिन यानी 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, और क्या महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो पाती हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अमत, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।